मैं हामिद अनवर, प्रबंधक मो मॉडर्न स्कूल। बकरीद का त्यौहार अभी पास में आने वाला है और गर्मी का मौसम है, तो जो भी जानवरों की वेस्टेज है, चमड़े हैं, सींगे हैं और भी बहुत सारे जो वेस्ट का सामान है, उसको ऐसे गलियों में या कूड़े में ना फेंके, नगरपालिका द्वारा जो जगह निर्धारित की गई है वहाँ ले जा कर के रखें। और मैं नगरपालिका से भी ये कहूँगा कि जगह जगह गड्ढे बना दें जिसके अंदर ये गंदगी डाल दी जाए और वक्त रहते उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए ताकि बदबू वगैरह ना फैले। ये जो हमारा बकरीद का त्यौहार है, ये कुर्बानी का त्यौहार है। कुर्बानी का मतलब होता है बलिदान, और बलिदान किसी एक चीज़ का नहीं होता है। कभी हम अपनी सांसों का बलिदान देते हैं, कभी हम अपने पैसों का बलिदान देते हैं। तो आज का दौर ये चल रहा है कि हम भी एक दूसरे से मिलजुल करके रहें और अपने गुस्से का बलिदान करें ताकि माहौल खुशगवार हो सके। इसी के साथ ही सभी जनपद वासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ ही सभी जनपद वासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो हमारा बकरीद का त्यौहार है, ये कुर्बानी का त्यौहार है। कुर्बानी का मतलब होता है बलिदान, और बलिदान किसी एक चीज़ का नहीं होता है। कभी हम अपनी सांसों का बलिदान देते हैं, कभी हम अपने पैसों का बलिदान देते हैं। तो आज का दौर ये चल रहा है कि हम भी एक दूसरे से मिलजुल करके रहें और अपने गुस्से का बलिदान करें ताकि माहौल खुशगवार हो सके। मैं हामिद अनवर, प्रबंधक मो मॉडर्न स्कूल। बकरीद का त्यौहार अभी पास में आने वाला है और गर्मी का मौसम है, तो जो भी जानवरों की वेस्टेज है, चमड़े हैं, सींगे हैं और भी बहुत सारे जो वेस्ट का सामान है, उसको ऐसे गलियों में या कूड़े में ना फेंके, नगरपालिका द्वारा जो जगह निर्धारित की गई है वहाँ ले जा कर के रखें। और मैं नगरपालिका से भी ये कहूँगा कि जगह जगह गड्ढे बना दें जिसके अंदर ये गंदगी डाल दी जाए और वक्त रहते उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए ताकि बदबू वगैरह ना फैले।